जी, मेरा नाम है आदित्य सिंह और मैं रहता हूँ वडोदरा में। तो जब भी छुट्टियाँ पड़ती है या छुट्टी में घूमने जाने का प्लान बनता है तो हमेशा दिमाग में आता है कि मनाली, शिमला, उत्तराखंड जाए। बट मेरी मानो तो ये सब जगह छोड़ के भी काफ़ी जगह है इंडिया में घूमने के लिए। तो इस बार पहाड़ों का रुख मोड़ के हम निकल पड़े समुद्र की ओर, वो भी महाराष्ट्र में, जिसका नाम था मिनी गोवा ऑफ इंडिया। बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की। अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसा। एंड वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन अलीबाग। रास्ते में बहुत परेशानी हुई, हम लोग फेरी ट्राई कर रहे थे मुंबई से, तो हमें वहाँ पे फेरी मिला ही नहीं क्योंकि आफ्टर 25th में फेरी बंद हो जाता है, ओनली M2M फेरीज होती है। तो हम लोग ने M2M फेरीज बुक नहीं करी थी, उसके वजह से हमें यहाँ पे टैक्सी पे आना पड़ा। बट प्रॉपर्टी हमारा बहुत सही मिला है यहाँ पे, आजू बाजू एकदम फॉरेस्ट एरिया है। सो थोड़ा अलीबाग से दूरी लिया है, 6-7 किलोमीटर, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा। उसके वजह से अभी शाम में जाएंगे नागांव बीच और वहाँ से जाके आपको मस्त वाला व्यू दिखाएंगे। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मित्र, अब चल जाने दे जो भी। रेवा डंडा बीच, और यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेना मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ा रिस्की एरिया है। एज यू कैन सी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। बट अभी शाम में जाऊँगा तब लूँगा वहाँ पे ड्रोन शॉट। नागांव बीच करके जगह है, बट यहाँ का ओवरऑल लोकेशन देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है। एकदम थोड़ा सनी टाइम है अभी, तो यहाँ से जाते जाते अभी नागांव बीच में जाएंगे, तो नागांव बीच के टाइम पे अभी सनसेट का टाइम हो जाएगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अभी यहाँ का मौसम बहुत मस्त है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा है, बट ओवरऑल लोकेशन बहुत ही मज़ेदार है। नागांव बीच गाइस, मैं रेवाकोंडा फोर्ट पे सोचना नहीं था ड्रोन शॉट लेने का, तो क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, तो उसके वजह से ड्रोन इम्बैलेंस हो जा रहा था। बट मैंने एक दो शॉट्स लिए, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो अभी नागांव पे सोचा है कि सनसेट का शॉट्स लूँ, और यहाँ पे बहुत सारे हॉर्स राइडिंग हो रही है, तो उसका ट्राई करूँगा एक शॉट लेने का जो मेरे दिमाग में है। बट देखते हैं उसको एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं, तो अभी इसके बाद ड्रोन शॉट से मिलते हैं। Oh,
अलीबाग। आज का एकदम प्लान सिंपल है, जाएंगे कोलाबा फोर्ट, वहाँ से जाएंगे वर्सोली बीच, दो तीन प्लेसेस है और उसके बाद दोपहर में रेस्ट करेंगे। हम लोग का ये जो प्रॉपर्टी का नाम है नेचर्स विला है, बहुत एकदम पीसफुल प्रॉपर्टी है, एकदम आसपास कुछ है नहीं, विलेज टाइप ही है। आप लोग ने ड्रोन शॉट्स देखा होगा। अगर आप लोग को यहाँ पर विजिट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्स दे दूँगा। कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है प्रॉपर्टी, तो आप दो दिन के हिसाब से आओगे तो अराउंड 12,000 के आसपास आपको पड़ ही जाएगा। थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा ओनर से, बट ओवरऑल प्रॉपर्टी यहाँ का बहुत अच्छा है। और अभी डे टू के लिए अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो बाकी की जर्नी बाद में कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन, वी रीच अलीबाग बीच। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अंदर कोलाबा फोर्ट के लिए। यहाँ से हम लोग कुछ रेंट करेंगे घोड़ा गाड़ी या समथिंग, और ये सारे मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं। और यहाँ से जाएंगे कोलाबा बीच, वहाँ पे मस्त वाला ड्रोन शॉट लेंगे। कोलाबा फोर्ट एक्चुअली में ये फोर्ट है ना, छत्रपति शिवाजी लोग का जो सिपाही लोग थे उनका वेपन स्टैंड था, यहाँ पे सारे सोल्जर्स रहते थे, उसके लिए बनाया हुआ था। बट लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस फोर्ट, पूरा बीच कवर होता है और इतने कूल फोटोज आ सकते हैं। ये एक पॉइंट ऐसा लग रहा है कि जो दिल चाहता है मूवी में था उस टाइप का पॉइंट है, बट वैसे सिमिलर ही पॉइंट लग रहा है। बट ओवरऑल लोकेशन बहुत अच्छा है, ट्राई करता हूँ यहाँ पे ड्रोन उड़े तो, क्योंकि एज अ रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ तो है शायद, पर देखता हूँ सिक्योरिटी से बात करके, अगर ड्रोन उड़ेगा तो बहुत मस्त व्यू आने वाला है। ड्रोन शॉट्स ऑफ वर्सोली बीच। अभी हम लोग दोपहर के टाइम पे आया ये बीच पे, क्योंकि शाम में दूसरे बीच पे जाने का प्लान है। बट अभी भी बीच बहुत मस्त लग रहा है एकदम, ड्रोन शॉट जहाँ के बहुत औसम आया है। अभी तक के सारे बीचेस में से मेरे को ये बीच बहुत अच्छा लगा। पर्सनली रेवाडंडा बीच बहुत अच्छा था, बट उसके बाद ये बीच ज़्यादा अच्छा लगा। नागाव पे थोड़ा गंदगी बहुत था इसलिए थोड़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट ये बीच बहुत अच्छा है। राइड्स भी है इधर वाटर एक्टिविटीज़ की, तो वो तो करने का प्लान नहीं, अभी बैठ के मैगी वैगी खाएंगे और उसके बाद शाम में दूसरे बीच में आएंगे। Thank you.
को मजा आया होगा। इन लोगों को भी पूछ लेते हैं कैसा लगा। बहुत मजा आया। हम लोगों का फर्स्ट टाइम, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये बीच टाइप में, और ऐसे मैं कभी नहाने गया नहीं हूँ बीच पे। और इवेंचुअली बहुत मजा आया, अल्टीमेट वन लाइफ वन टाइम एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ हमारा ये अलीबाग का वीडियो एंड करता हूँ मैं। आई होप आप लोग को मजा आया होगा ड्रोन शॉट मौसम को देखने के लिए। तो टिल देन लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।